23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का राशिफल। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल है और भाग्य आपका साथ देगा। आप प्रेम जीवन को संवारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपका रोमांटिक अंदाज और रचनात्मक आपके प्रेम जीवन में काम आएगी। आपका प्रयास सफल रहेगा। शादीशुदा जातकों का गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा और जीवन साथी के साथ नजदीकियां बढ़ सकती हैं। संतान के बारे में सोचकर और उनके प्रदर्शन को देखकर आप प्रसन्न रहेंगे। पारिवारिक माहौल आपको आंतरिक खुशी और शक्ति देगा। काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। भाग्य बलवान होने के कारण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आज का लकी नंबर है 3 और आपका शुभ रंग होगा लाल। आज भाग्य 90% मेष राशि वालों के पक्ष में रहेगा और उपाय है भगवान गणेश स्त्रोत का रोज पाठ करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। आप अपने परिवार और जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। घर के खर्चों को भी पूरा कर सकते हैं। इसमें आपकी आमदनी प्रभावित होगी, लेकिन आप खुश भी रहेंगे। परिजनों का स्नेह और प्रेम देखने को मिलेगा। काम के सिलसिले में दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, लेकिन आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी वर्ग को मेहनत का फल मिलेगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को आज कुछ निराशा हाथ लग सकती है। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा और विवाहित लोगों अपने गृहस्थ जीवन से संतुष्ट नजर आ सकते हैं। आज का लकी नंबर है 2 और आपका शुभ रंग होगा पीला। आज भाग्य 81% वृषभ राशि वालों के पक्ष में रहेगा और उपाय है रोज रात में अंतिम रोटी काले कुत्ते को जरूर खिलाएं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे। खासकर भाई बहनों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को आप जानेंगे। आपके आपसी संबंध मजबूत होंगे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मेल जोल का भी मौका मिल सकता है। अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएंगे। इनकम के मामलों में आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके खर्च भी रहेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। स्वास्थ्य मजबूत रहेगा और नौकरी पेशा जातकों को अपने विरोधियों से सावधान अवश्य रहें। व्यापार के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। आज का लकी नंबर है 6 और आपका शुभ रंग होगा नारंगी। आज भाग्य 73% मिथुन राशि वालों के पक्ष में रहेगा और उपाय है प्रातः काल भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आप अपने परिवार के साथ एक अटूट बंधन और शक्ति की भावना महसूस करेंगे। काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी तारीफ होगी, लेकिन इसके साथ ही आप पर काम का बोझ भी बढ़ सकता है। आपके बॉस आपकी कार्य कुशलता से प्रभावित होंगे। व्यापारी वर्ग को आज कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप अच्छे भोजन का आनंद भी लेंगे। गृहस्थ जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा और एक दूसरे से काफी करीब रहेंगे। आज का लकी नंबर है 4 और आपका शुभ रंग होगा हरा। आज भाग्य 70% कर्क राशि वालों के पक्ष में रहेगा और उपाय है गणपति को दुर्वा चढ़े और श्री गणेश चालीसा का रोज पाठ करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आपके अंदर स्वाभिमान की वृद्धि होगी, जिससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। काम के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे। आप अपने काम का आनंद लेंगे और आगे बढ़कर काम को पूरा कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। आप किसी भी चुनौती से घबराए नहीं और कड़ी मेहनत करें। आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन भी बहुत अच्छा है। गृहस्थ जीवन में दिन खुशियों से भरा रहेगा।
और आप अपने जीवन साथी के दिल की बात समझेंगे। आज का लकी नंबर है 3 और आपका शुभ रंग होगा सफेद। आज भाग्य 62% सिंह राशि वालों के पक्ष में रहेगा और उपाय है सफेद चंदन का मस्तक पर तिलक लगाएं एवं भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। आज आपका खर्च बढ़ने से मानसिक चिंता बढ़ेगी, सेहत भी बिगड़ सकती है, इसलिए खुद का पूरा ध्यान दें। काम के सिलसिले में आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी कि आपको लगेगा कि आपको अपनी मौजूदा नौकरी बदल लेनी चाहिए। व्यापार करने वालों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है, आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, ससुराल से अच्छे परिणाम मिलेंगे। गृहस्थ जीवन में प्रेम रहेगा, लेकिन प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज अपने प्रिय की कुछ समस्याएं सुलझाते हुए नजर आएंगे। आज का लकी नंबर है 7 और आपका शुभ रंग होगा आसमानी। आज भाग्य 68% कन्या राशि वालों के पक्ष में रहेगा और आज का उपाय है गाय को गुड़ खिलाएं और भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी आय में भी वृद्धि होगी और आप स्वयं अपनी मेहनत को बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। पारिवारिक वातावरण में परेशानियां हो सकती हैं, उसके लिए आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, प्रेम जीवन जीने वाले को भी आज अच्छे नतीजे मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है, उन्हें अपने काम का अच्छा फल मिलेगा। व्यापार करने वाले लोगों को आज बड़ी सफलता हासिल होगी। आज का लकी नंबर है 8 और आपका शुभ रंग होगा बादामी। आज भाग्य 72% तुला राशि वालों के पक्ष में रहेगा और उपाय है बजरंग बाण का पाठ करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर होगा। आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से उसमें कुछ कमियां सामने आ रही थी, अब उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, इसका असर भी आपको देखने को मिल जाएगा। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, किसी पड़ोसी से विवाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और प्रसन्नता बरकरार रहेगी, आपके संबंध मधुर बनेंगे। प्रेम जीवन जीने वाले को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपने पुराने मित्रों से दिल की बात करेंगे। आज सेहत में सुधार आने से मन भी प्रसन्न रह सकता है। आज का लकी नंबर है 5 और आपका शुभ रंग होगा मरून। आज भाग्य 82% वृश्चिक राशि वालों के पक्ष में रहेगा और उपाय है भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। धनुराशि के लोगों को आज का दिन काफी उत्साह में बीतेगा और भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग भी करेंगे। किसी काम के लिए घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह भी लेंगे, उनके आशीर्वाद से आपके कुछ काम बनेंगे। नौकरी पेशा लोग आज कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कुछ नए हथकंडे अपनाएंगे जिससे उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा, प्रेम जीवन जीने वाले को भी आज कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक विवाद की संभावना बन सकती है, इसलिए आपको सावधान जरूर रहना है। आज का लकी नंबर है 1 और आपका शुभ रंग होगा केसरिया। आज भाग्य 90% धनुराशि वालों के पक्ष में रहेगा और उपाय है श्री शिव चालीसा का पाठ करिए। मकर राशि वाले आज काफी व्यस्त रहेंगे, ऐसी कई चीजें हैं जिनसे आपको निपटना है, लेकिन आपके पास समय कम है, इसलिए आपको प्राथमिकताएं तय करनी होगी। मानसिक रूप से कुछ चुनौतियां आपको परेशान करेगी, आप चिंतित रहेंगे, खर्चों में कमी आएगी और आमदनी अच्छी रहेगी। परिवार का सुख प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा, संतान सुख की प्राप्ति रहेगी, लेकिन प्रेम जीवन जीने वाले को अपने प्रिय से दिल की बात कहने में आनंद आएगा। घर परिवार के साथ सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे,
और शारीरिक रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन मानसिक तनाव दूर करने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। आज का लकी नंबर है 9 और आपका शुभ रंग होगा गुलाबी। आज भाग्य 88% मकर राशि वालों के पक्ष में रहेगा और उपाय है भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपके खर्चों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है जिससे आपको थोड़ी परेशानी होगी। आमदनी सामान्य रहेगी, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। जीवन साथी की क्रिएटिविटी देखकर आप काफी प्रसन्न रहेंगे। प्रेम जीवन जीने वाले को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने किसी दोस्त से मदद मिलेगी। काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज का लकी नंबर है 5 और आपका शुभ रंग होगा मरून। आज भाग्य 83% कुंभ राशि वालों के पक्ष में रहेगा और उपाय है भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल को और गुड़ पीले कपड़े में बांधकर अवश्य चढ़ाएं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आमदनी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और खर्चों में भी कमी आएगी। लेकिन फिर भी आप किसी अज्ञात भय से परेशान रहेंगे। किसी अप्रिय घटना से आप भयभीत रहेंगे। मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे लेकिन आप अपने काम से खुश नहीं रहेंगे। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय का बर्ताव देखकर रिश्ते को लेकर चिंतित रह सकते हैं। गृहस्थ जीवन सामान्य रह सकता है। आज का लकी नंबर है 6 और आपका शुभ रंग होगा नीला। आज भाग्य 68% मीन राशि वालों के पक्ष में रहेगा और उपाय है गरीबों को वस्त्र एवं भोजन का दान करवाएं। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके, कृपया इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान भोलेनाथ 2024 में आपके हर सपने पूरे करेंगे और आने वाले दिनों में आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।